नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट के बिजनेस के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे और किस प्रकार यह बिजनेस करते हुए आप हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है और इसी के साथ विंटर सीजन भी शुरू हो जाता है और विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट का बिजनेस करने से अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इस समय इसकी मांग बढ़ जाती है और आजकल गिफ्ट देने का चलन काफी बढ़ गया है और अब लोग गिफ्ट में मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। त्योहारों से लेकर शादी ब्याह तक में छोटे दुकानदार ड्राई फ्रूट की पैकिंग में सजा कर इसे बेच सकते हैं। ड्राई फ्रूट की छोटी व आकर्षक पैकिंग लोगों को अधिक पसंद आते हैं और उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपके लिए भी ड्राई फ्रूट बिजनेस एक बढ़िया विकल्प है और यह बिजनेस करके आप भी अच्छा खासा मुनाफा महीने में कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खरीदने होंगे, साथ ही आपको गिफ्ट के बॉक्स खरीदने होंगे। दिल्ली के खारी बावड़ी मंडी को ड्राई फ्रूट्स के लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। दुनिया भर से इम्पोर्ट हुआ ड्राई फ्रूट सबसे पहले खारी बावड़ी में ही आता है, इसलिए अगर आपको सबसे सस्ते दाम पर ड्राई फ्रूट खरीदना है तो आप खारी बावड़ी जाकर खरीद सकते हैं। यहाँ आपको थोक दाम पर हर तरह के ड्राई फ्रूट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आपको होलसेल रेट में किन कीमतों पर मिल सकते हैं। काजू आपको 700 से 900 रुपए प्रति किलो की दर से मिल सकता है। बादाम आपको 600 से 800 रुपए प्रति किलो की दर से मिल सकता है। किशमिश आपको 100 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से मिल सकता है। पिस्ता आपको 600 से 1000 रुपए प्रति किलो की दर से मिल सकता है। अखरोट आप 300 से 1000 रुपए प्रति किलो की दर से ले सकते हैं। छुआरा आपको 50 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से मिल जाएगा। अंजीर आप 300 से 700 रुपए प्रति किलो की दर से ले सकते हैं और खुबानी आपको 500 से 700 रुपए प्रति किलो की दर से मिल सकता है। गिफ्ट पैकेजिंग बॉक्स 10 रुपए से 500 रुपए प्रति पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा होलसेल रेट में। दोस्तों अलग अलग राज्य में के ड्राई फ्रूट्स की कीमत में अंतर हो सकता है, तो आप बाजार का एक बार सर्च करें, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स किस रेट में मिलता है, अपने बजट के अनुसार खरीदें। ड्राई फ्रूट का कारोबार करने के लिए सदर बाजार से सजावटी ड्राई फ्रूट के डब्बे और खारी बावली से ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं आप। इन डब्बों में थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भरकर आकर्षक पैकिंग कर बाजार या अपनी लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं। दीपावली के समय डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट के डब्बे सबसे ज्यादा बिकते हैं। सदर बाजार और चावड़ी बाजार में थोक में 60 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक के ड्राई फ्रूट के डब्बे मिलते हैं। डब्बे के खानों के हिसाब से कीमत तय होती है और डिजाइनर डब्बे महंगे आते हैं। इन डब्बों में ड्राई फ्रूट भरकर बेचा जाता है। जिस ड्राई फ्रूट के डब्बे की लागत 120 से 250 रुपए आती है उसे मार्केट में 300 से 500 रुपए में बेचा जाता है। इससे हर एक डब्बे पर अच्छा खासा मार्जिन कारोबारी को मिल जाता है। सर्दियों के सीजन में और त्योहारों में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स के कुल कारोबार का 40% हिस्सा विंटर सीजन में बिकता है। ऐसे में इस सीजन का फायदा कोई भी कारोबारी उठा सकता है। मंडी में कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव बना रहता है, ऐसे में आपको मंडियों की कीमत पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही व्यापारियों को कीमतों पर पकड़ रखने के लिए मंडियों के साथ कुछ अखबार और खबरों पर भी नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिससे आप अपने माल को सही कीमत पर बेच पाएंगे। ड्राई फ्रूट की ऑनलाइन सेलिंग कर अधिक प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। आज कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन नहीं मिलता हो, ऐसे में आप अपने ड्राई फ्रूट्स बिजनेस को ऑनलाइन लाकर अपने मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तब भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। कई ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां जो आपके ड्राई फ्रूट को बेचकर आपको अच्छा मुनाफा दिला सकती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, पेटीएम, ईबे, अमेजॉन जैसी कई वेबसाइट जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रही है। इनसे कई सेलर्स जुड़कर हर महीने कई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। आजकल कई ऐसे सोशल साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करके अपने प्रोडक्ट की बिक्री आप बढ़ा सकते हैं, तो आप इसका लाभ जरूर लें। ड्राई फ्रूट के बिजनेस के लिए आपको कितने लागत की आवश्यकता होगी? यह बिजनेस आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप शुरुआत में इन सभी ड्राई फ्रूट को 5-5 या 10-10 किलो खरीद कर भी यह बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। इतना ड्राई फ्रूट्स आपको 30 से 40 हजार रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए पैकिंग व गिफ्ट बॉक्स आपको 20 से 30 हजार रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा आप काजू, बादाम, किशमिश को 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम के पैकेट बनाकर हैंडी सीलिंग मशीन से सील कर और पैक कर दुकानों में बेच सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ 80 हजार से 1 लाख रुपए में घर से शुरू कर सकते हैं।
यह बिजनेस अगर आप घर से शुरू करते हैं तो शुरुआत में आप 50,000 से तक आपको कमाई हो सकती है, और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी लाखों में हो सकता है। ड्राई फ्रूट का बिजनेस करने के लिए अगर आप ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं तो आपको फूड लाइसेंस और ISO का प्रमाण पत्र लेना होगा, साथ ही आपको GSTN भी लेना होगा, और आप लोन के लिए बैंक में अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी 50,000 से 10 लाख की राशि लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं आगे भी कम बजट में ज्यादा मुनाफा वाले बिजनेस आइडिया के वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक बार नए बिजनेस आइडिया वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।